जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के चलते 144 धारा लगा दी गई है। प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन किया जाए, ऐसे दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। नगर निगम की टीम रोको टोको अभियान में जुट गई है, तो लोगों को मास्क पहनना है यह सलाह दी जा रही है। इसके अलावा जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी वसूला जाएगा। लोगों को समझाइश भी दी जा रही है, इसके अलावा चालानी कार्रवाई भी यहां पर की जा रही है। जी ये बताएं, अभी चालानी कार्रवाई की जा रही है धार ताल में, कितने अभी चालान कटे, कितने बजे चालू है ये रोको टोको अभियान? जबलपुर शहर में फिर से कोरोना के मरीजों की संख्या को बढ़ते देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय ने पूर्व में वैसे ही आर्डर कर दिए थे और माननीय आयुक्त महोदय के आदेशानुसार पूरे शहर में बिना मास्क वालों की चालानी कार्रवाई की जा रही, जिसके तहत संभाग क्रमांक 7 आधार ताल में आज हम लोगों के द्वारा पुनः ये कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जो शाम को की जाती है। अब दोपहर में भी यहाँ के राहगीर जो भी निकल रहे हैं बिना मास्क वाले, तो उनकी सबकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग 30-35 लोगों की चालानी कार्रवाई हो चुकी है और जो लगातार जारी रहेगा। हमारे यहाँ संभाग से लगभग 50,000 लोगों की चालानी कार्रवाई हो चुकी है शुरुआत से अभी तक। जी भैया, आपका नाम? मैं संभाग क्रमांक 7 से CSI विष्णुकांत।